गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। देखिए हम लोगों का लेसन चल रहा था गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध में लिख चल रहा था सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है तो इसमें जो लास्ट वाला है वो आगे रह गया था। लास्ट वाला देखिएगा, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊँ पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो देखिए गुहा मीन्स होता है, मैं इसका एक्चुअली इसको मैं पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वाले को, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए समझ लीजिएगा, इसका दोबारा से मैं रिवीजन नहीं करा रही। तो कहते हैं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, गुहाओं मीन्स होता है गुहाओं में, विवरों माने होता है विवर मीन्स होता है छेद, छेद जो बिल होते हैं बिल बना लिए जाते हैं, बिल मतलब होता है छेद। तो धुएँ के बादलों, लापता मीन्स होता है गुम हो जाना, और पाताली अंधेरे की गुहाओं में, पाताली अंधेरे की गुहाओं में, पाताली मीन्स होता है धरती के जो नीचे होता है उसको कहते हैं पाताल, धरती के नीचे कहते हैं पाताल, ठीक है। लापता मीन्स हो जाता है गुम हो जाना, और सभी वह तुम्हारे ही कवा कारण, अब तो जिंदगी में जो कुछ था अब और कुछ है नहीं। तो प्रसंग में लिखते हैं के कवि ने प्रिय को दृढ़ता से भूल जाने का वर्णन किया है, के कवि जो है कवि ने अपने प्रिय को दृढ़ता से मतलब मजबूती से संकल्प के द्वारा उन्होंने अपने प्रिय को छोड़ने का वर्णन किया है। सब कुछ याद रखना मानव हृदय के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए कवि भूलने को ही महत्व देता है, इसलिए कवि जो है भूलने को ही महत्व देता है। कहते हैं कवि अपने इष्ट को संबोधित करते हुए कहता है, कवि जो है अपने इष्ट को संबोधित करते हुए कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में। कहता है कि वास्तव में मतलब दृढ़ संकल्प है उसका कि उसको भुलाना चाहता है, तो कहता है कि वास्तव में मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम्हारी विस्मृति रूपी, विस्मृति माने विस्मृति, स्मृति का उल्टा होता है विस्मृति, मतलब स्मृति माने याद रखना, और विस्मृति मीन्स होता है भूल जाना। तो विस्मृति रूपी पाताली गुफाओं में मैं खो जाऊँ, पाताली गुफाओं के अंदर मैं खो जाऊँ जा करके, और मुझे तुम्हारी याद मतलब ना आए। विस्मृति रूपी पातालों की गुफाओं में मैं जाके खो जाऊँ, मतलब क्या होता है कि विस्मृति रूपी मतलब मैं तुम्हारी पाताली गुफाओं में जा करके मैं तुम्हारी यादों को भूल जाऊँ, भले ही ये दंड मुझे कष्ट तो बहुत देगा, फिर भी मैं तुम्हारे विस्मृत रूपी धुएं के बादलों में खो जाना चाहता हूँ। कहता है कि धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता यहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कहते हैं मैं कुछ होता है कि मैं उसमें जा करके धुएं के बादलों में जा करके खो जाऊँ, और मतलब गुम हो जाऊँ, लेकिन गुम हो जाने के बाद भी किसका सहारा है, मुझे तुम्हारा ही सहारा है, विस्मृत रूपी बादलों में भी मुझे तुम्हारा ही सहारा मिल रहा है, तुम्हारा ही सहारा मिल रहा है। अतः क्या मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, कहता है मैं ये अनुभव कर रहा हूँ क्या, अब सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो भी तुम्हारा है। तो कहता है मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख अंधकार प्रकाश और विद्यमान है, इसके कारण है सब तुम्हारे कारण है, सब तुम्हारे ही कारण संभव हो गया है। अतः मैं हर स्थिति में तुम्हारी खुशी के लिए हर स्थिति को स्वीकार करना चाहता हूँ, स्वीकार करना चाहता हूँ क्योंकि लिखा है ना सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, मतलब
जो कुछ भी मेरा है भाई तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैं हर चीज़ को, सुख दुख को, स्मृति को विस्मृति को, अंधकार को प्रकाश को, सभी कुछ को मैं तुम्हारी खुशी के लिए स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए स्वीकार करना चाहता हूँ। ठीक, अब इसमें हम लोग लिखते हैं काव्यगत जो सौंदर्य आता है, इसमें लिखा जाता है विशेष। विशेष मतलब होता है काव्यगत सौंदर्य। तो काव्यगत सौंदर्य में आता है कि भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली भाषा है, माधुर गुण संपन्न भाषा है, छंद मुक्त रचना है, लेकिन छंद मुक्त रचना होते हुए भी इसमें एक लय विद्यमान है। जैसे जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, सरस स्वीकारा है, तो एक लय है इसमें। तो छंद मुक्त रचना होते हुए भी इसमें आंतरिक लय विद्यमान है। रूपक, उपमा और इसमें अनुप्रास अलंकार है। रूपक, उपमा और इसमें अनुप्रास अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा है, शब्द गति की लिखा है। ठीक है, तो इसमें आता है रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। और तत्सम और तद्दो शब्दों का विवरण, जैसे विवर है ना, गुहाओं, गुहा में गुहा का होता है गुफा, है ना। तो इसमें तत्सम और तद्दो शब्दों का सुंदर समन्वय किया गया है। और कवि जो है अपनी प्रत्येक उपलब्धि को, श्रेय जो है अपने इष्ट को देना चाहता है, अपने प्रीतम को देना चाहता है। ठीक है, कभी अपने जीवन की प्रत्येक उपलब्धि का श्रेय अपने इष्ट को देना चाहता है, मतलब अपने प्रभु को, अपनी प्रियतमा जो भी उनकी है, प्रिय को देना चाहता है। ठीक, अब देखिएगा इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे होता है गर्वीली गरीबी। इसको एक बार मैं आपसे मतलब एक बार इसको रिवीजन करवा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। तो कहते हैं गर्वीली गरीबी क्या होता है। गर्वीली गरीबी से तात्पर्य होता है कि कवि गरीबी के दौर से गुजर रहा है, उसे उसी पर गर्व है। कवि को उसी पर गर्व है और वह अपनी गरीबी में, मतलब उसको अपनी कहते हैं गर्वीली गरीबी से तात्पर्य है कि वह कभी जो है स्वयं गरीबी के दौर से गुजर रहा है। लेकिन अक्सर लोग साधन संपन्न होते हुए भी लोग कैसे होते हैं, संवेदनहीन होते हैं, उनमें संवेदना नहीं होती है, तो इसलिए उसे अपनी गरीबी पर भी गर्व है, जिसके कारण सभी के प्रति उसका व्यवहार जो है मधुरतापूर्वक मधुर बना रहता है। उसे गरीबी में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं वो धनी होने पर प्राप्त नहीं हो सकते थे, वह धनी होने पर प्राप्त नहीं हो सकते। गर्वीली गरीबी से तात्पर्य होता है कि कवि जो है अपनी गरीबी के दौर से गुजर रहा है, और वह मतलब कहते हैं कि गरीबी में भी वह गरीबी के दौर से गुजर रहा है, कवि जो है गरीबी में भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है, उसमें भी गौरव महसूस करता है। कहते हैं मन जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, उनको संवेदनहीन होते हैं, तो उसने गरीबी में जो उसको अनुभव प्राप्त हुए हैं, गरीबी में जो उसे अनुभव प्राप्त हुए हैं, वे धनी होने पर प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया है गर्वीली गरीब। ठीक, क्योंकि जब व्यक्ति गरीब होता है ना, दूसरे के दुख को भी महसूस करता है और उसका व्यवहार जो है व्यवहार भी मधुर बना रहता है। लेकिन जो अमीर व्यक्ति हो जाते हैं वे किसी के दुख को नहीं समझते हैं, उन्हें सिर्फ अपने से रहता है कि हमारा काम हर हालत में बन जाना चाहिए। ठीक, आगे लिखा है, देखिए लिखा है भीतर की सरता क्या मतलब होता है। भीतर की सरता कवि के हृदय में निरंतर जो है नए नए विचार आते रहते हैं। इन्हीं विचारों की धारा को, ये जो विचार हैं, इन विचारों की धारा को कवि ने सरिता कह करके संबोधित कर, सरिता मीन्स होता है नदी, इस प्रकार से नदी की जो धारा होती है ऐसे चलती जाती है, इधर आगे बढ़ जाती है और उसके बाद में आगे पानी बढ़ और पीछे से आता हुआ पानी आगे आ जाता है। तो भीतर की सरिता मतलब होता है कवि के हृदय में अनेक नवीन विचार जो हैं
आते ही रहते हैं, एक जाता है और एक आ जाता है, एक जाता है और आ जाता है। इस प्रकार से नदी की धारा सरिता, उसलिए उसने उसको सरिता कह करके संबोधित किया है। वह अपने हृदय की गति को भी, वह अपने हृदय की जो उसकी खूबी है वो भी उसको क्या मानता है, अपने इष्ट की देन मानता है, अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की देन मानता है। ठीक हो गया भीतर की सरिता। अब आता है बहलाती सहलाती आत्मीयता। कवि पर अपने इष्ट का जो है अधिक प्रभाव दिखाई देता है, वह अपनेपन की भावना ही, उसकी जो अपनेपन की भावना ही कवि को द्रवित कर देती है। कवि ने सदा ही उनकी आत्मीयता से, कवि ने सदा ही उसकी मतलब अपने इष्ट की आत्मीयता से ही बल प्राप्त किया है, और आत्मीयता के लिए ही कवि ने बहलाती सहलाती विशेषणों का प्रयोग किया है। और जीवन के हर मोड़ पर, उनके जीवन के हर मोड़ पर उसके इष्ट का अपनापन उसे सहारा देता है, उसके दुख स्मृति में दुखी जीवन में वो खुशी भर देता है, उसके दुखी जीवन में वह खुशी भर देता है। तो नेक्स्ट आता है ममता के बादल। ममता के बादल कहते हैं, कवि अपने इष्ट की ममता का वर्णन करते हुए कहता है कि कवि अपनी इष्ट देव की ममता का वर्णन करते हुए कहता है कि हर समय मनुष्य का जीवन जो है सुखमय नहीं रह सकता, कभी दुख आता है और कभी सुख आता है। तो दुख की घड़ी में अपनी इष्ट के दुख, जब दुख आता है दुख की घड़ी में अपने इष्ट देव के द्वारा किया गया जो ममता का व्यवहार होता है वह उसे सुकून देता है, वह उसे सुकून में देता है। और इष्ट की भावना जो होती है ममता के बादल बन करके, इष्ट की जो भावना होती है वो ममता के बादल बन करके उनमें हमें सुख प्रदान करती है। ठीक, इष्ट के वो बादल बन करके हमें सुख प्रदान करती है। ठीक, देखिए आगे लिखा है व्याख्या कीजिए। क्या लिखा है? नहीं लिखा है, इस कविता में और भी टिप्पणी योगपद प्रयोग हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख करके उस पर टिप्पणी करें। लिखा है दक्षिणी ध्रुवी अलंकार अमावस्या, दक्षिणी ध्रुवी अलंकार अमावस्या। कहते हैं कवि जीवन के व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए, व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपने इष्ट देव की मधुर स्मृतियों को वो भुलाना चाहता है। इसके लिए वह विस्मृति के घने अंधकार में खो जाना चाहता है, कि कहता है कि मैं उन्हें भूल जाऊँ, विस्मृत रूपी अंधकार में, गुहाओं में, विवरों में वह खो जाना चाहता है। लेकिन क्या करता है, वह कल्पना करता है कि जिस तरह दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या के समान घना अंधेरा बना रहता है, ठीक वैसे ही विस्मृति के अंधकार में मेरी मधुर स्मृति खो जाए। दक्षिणी ध्रुवी अलंकार अमावस्या, मेन बात यह है कि जिस तरह दक्षिणी ध्रुवी, जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर अलंक अमावस्या, जिस तरह दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या के समान, जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या के समान घना अंधकार छाया रहता है, घना अंधकार बना रहता है, ठीक उसी प्रकार से वह भी विस्मृति के अंधकार में, वो कहता है विस्मृति के अंधकार में मेरी जो मधुर स्मृतियाँ हैं वो खो जाएँ, वो समाप्त हो जाए। तो देखिए लिखा है जाने क्या, व्याख्या कीजिए। लिखा जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सुनता है भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद क्यों धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह, तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, खिलता वह चेहरा। तो कि चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों कर दी गई। कैसे लिखता है, व्याख्या करते हुए ये बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर के अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों कर दी गई। कहते हैं जिस तरह से चांद रात भर अपनी शीतल चांदनी में धरती को तृप्त करता है, इस प्रकार रात भर
अपनी शीतल चांदनी से धरती को तृप्त कर देता है, धरती को तृप्त करता है शीतल चांदनी से। इस प्रकार से चंद्रमा रात भर अपनी शीतल चांदनी से धरती को तृप्त करता है, उसी प्रकार इष्ट का जो हसमुख चेहरा तृप्त करता है, उसी प्रकार से इष्ट का भी हसमुख चेहरा जो होता है हमें तृप्त करता है। कवि अपनी इष्ट की मधुरता को, कवि क्या करता है, कवि अपने इष्ट की मधुरता को भूल जाना चाहता है, इसलिए वह अंधकार की अमावस्या में नहाना चाहता है। अंधकार की अमावस्या में वो नहाना चाहता है। अमावस्या क्या होती है, अमावस्या भी अंधकार की अमावस्या, अमावस कालिया कहते हैं ना, तो अंधकार की अमावस्या में वो नहाना चाहता है। ठीक, आगे लिखा है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेलाभ सहा नहीं जाता है, उजेलाभ सहा नहीं जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको आप एक बार जरूर रिवीजन करिएगा और इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा बेटा, इसीलिए हम इसको दोबारा से रिवीजन करा चुके हैं, एक बार हम इसको पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन पहले, अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और इससे विशेष में क्या अर्थ जुड़ता है। देखिए यहाँ पर अंधकार अमावस्या के लिए, अंधकार और अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी का प्रयोग किया गया है। ठीक, दक्षिणी ध्रुवी का प्रयोग किया गया है। और नंबर टू में, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है, किस स्थिति को कवि ने, देखिए व्यक्तिगत संदर्भ में दुख की, जब दुख व्यक्ति को आता है ना, दुख होता है मतलब कालिया अमावस, तो दुख की स्थिति को उन्होंने अमावस्या कहा है। और इष्ट के वियोग में कवि को हर रात्रि में अमावस्या या दुख की काली रात ही महसूस होती है। देखिए लिखा है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है, तो लिखेंगे कवि ने दुख की स्थिति को, किस स्थिति को, दुख की स्थिति को कवि ने दुख की स्थिति को अमावस्या कहा है। और वो अपने इष्ट देव के वियोग में हर रात, वह अपने इष्ट देव के वियोग में हर रात्रि में अमावस्या या दुख की काली रात को महसूस करता है, अमावस्या या दुख की काली रात को वह महसूस करता है। देखिए इस स्थिति में ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है, इस विपरीत को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख कीजिए। देखिए विपरीत ठहरने कविता में तब व्यक्त होती है जब पाताली अंधेरे, पाताल का अंधेरा होता है, पाताली अंधेरे में भी वह अपने इष्ट का स्वागत करता है, पाताल के अंधेरे में भी मतलब धरती के अंदर जो पाताल है वहाँ पर भी वह अपने इष्ट देव का स्वागत करता है। और इसका तात्पर्य क्या होता है, कभी भले ही, कभी जो है भले ही इष्ट देव की मधुर स्मृतियों को भूलने का प्रयास करें, मतलब इसका तात्पर्य क्या है, पाताली अंधेरे में खो जाए, मतलब होता है कभी इस स्थिति में भी अपने इष्ट देव की मधुर स्मृतियों को चाहे खो देने का, भूल जाने का प्रयास करे तो भी वह सफल नहीं हो पाता है, इसलिए वह अपने सुखों का, वह इसलिए वह अपने दुखों का, सुखों का जो श्रेय होता है वो किसको देता है, वह अपने इष्ट देव को देता है, दुखों और सुखों का श्रेय अपने इष्ट देव को देता है। देखिए कहते हैं वह पाताली अंधेरे में खो जाना चाहता है, पाताली अंधेरी का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य ये होता है कि वह अपनी मधुर जो उसकी स्मृतियाँ हैं उनको वो भूल जाने का प्रयास करता है तो भी वह सफल नहीं हो पाता है, इसलिए वह अपने सुख और दुखों का सारा श्रेय जो है अपने इष्ट देव को देता है। ठीक, अपने इष्ट देव को वो सुखों और दुखों का श्रेय अपने इष्ट देव को देता है। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवि अपने संबोध्य मतलब जिसको कविता कौतुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है, इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई गई है, मतलब वो बाकायदा भूल जाना चाहता है, बताइए इसके लिए कौन सी युक्ति उन्होंने अपनाई। तो कहते हैं कवि जो है अपने संबोध्य,
जिसको वो संबोधन करता है, वो उसको मतलब इष्टदेव संबोधन किसको कर रहा है, अपने इष्टदेव को। तो कवि अपने संबोध को भूल जाना चाहता है, बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए, अपनी बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए अब उसने विस्मृति के घने अंधकार में उसने डूबने का प्रयास किया कि शायद मैं उसको भूल जाऊँ। मतलब विस्मृति के मतलब भूल जाना चाहता है, और वो चाहता है कि घने अंधकार में, पता नहीं अंधेरे की गुफाओं में मैं जाकर के, वहाँ पर जाकर के खो जाऊँ तो शायद मैं उनको भूल जाऊँ। लेकिन वह अपने शरीर से हृदय से और अपने मन से अपने इष्ट की मधुर स्मृतियों को भुला देना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि घने अंधकार में भी अपने इष्टदेव को भुला देने की शक्ति उसके चित्त में, उसके हृदय में पैदा हो जाएगी। इष्टदेव की भुलाने की जो शक्ति है उसके हृदय में, उसके चित्त में पैदा होगी। ठीक, देखिए, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कविता के शीर्षक सहज स्वीकारा में अंतर विरोध पाते हैं उसकी चर्चा के लिए। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो देखिए, जहाँ एक और कवि कहता है कि वह अपने इष्ट को प्यार और दुलार की आत्मीयता सहन स्वीकार करना चाहता है, दूसरी ओर कविता के शीर्षक के अनुसार क्या है, वह अपने जीवन के सुख दुख की खुशी को स्वीकार कर लेता है। ये कहते हैं सहर्ष स्वीकारा है, जो कुछ भी है, सुख है दुख है, उसको हम हर्ष के साथ प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से दोनों पंक्तियों में अंतर विरोध का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। क्या, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, और शीर्षक क्या है, सहर्ष स्वीकारा है, दोनों में अंतर विरोध है। और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए जीवन की आय इस उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करने पर उन्होंने बल दिया है। मतलब जो भी है, मतलब जीवन में जो भी है दृष्टिकोण, उसके हर उतार चढ़ाव को और स्वीकार करने पर उन्होंने बल दिया है। और कहते हैं, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, पंक्ति पढ़ने पर अंतर विरोध उत्पन्न कर देती है। कि पहले तो कहता है कि सहर्ष स्वीकारा है, और इधर कह रहा है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, तो दोनों में अंतर विरोध आ गया है। ठीक, दोनों में अंतर विरोध पैदा हो गया है। दोनों में अंतर विरोध उत्पन्न हो गया है। अब देखिएगा, एक इसमें देखो दिया हुआ है, जैसे भय, लिखा है ना, भय शब्द पर सोचिए कि मन में किन चीज़ों का भय बैठा है, उनसे निपटने के लिए आप क्या करते हैं, भय क्या होता है। भय जो होता है, भय शब्द का व्यक्ति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, भय, किसी चीज़ का भय, डर। और व्यक्ति भय पैदा करने वाली स्थितियों से दूर भागना चाहता है। किसी भी व्यक्ति के मन में अपनों से दूर होने का भय, दुख आने का भय, आकस्मिक स्थिति, किसी संबंधी की बीमारी या उनकी मृत्यु का भय, धन के समाप्त हो जाने का भय और फेल हो जाने का भय, भूत प्रेत आदि के होने का भय जो उनके मन में बैठा रहता है कि शायद किसी भी शंका हमसे कुछ गलत ना हो जाए, कहीं हम फेल ना हो जाएं, कहीं हम मतलब हम अपनों पर कोई दुख ना पैदा हो जाए, है ना, और आकस्मिक कोई स्थिति ऐसी ना आ जाए, बीमारी हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, हैं, पर संतान संबंधी कोई भय आ जाए या धन संबंधी कोई भय हो जाता है, तो इस प्रकार से। और भूत प्रेत का जो भय होता है, यदि लोगों, ये सब चीज़ें लोगों में भय बना रहता है, उनसे निपटने के लिए हमें साहस और धैर्य से, हमें उन इन सब स्थितियों से निपटने के लिए हमें धैर्य से और साहस से सभी परिस्थितियों का मुकाबला हम मतलब इन उनसे निपटने के लिए हम साहस के साथ में और धैर्य के साहस और धैर्य के साथ में हम इन स्थितियों का मुकाबला करते हैं। कभी की मना स्थिति को, प्रेरक शक्ति को भुला पाने का भय भी नहीं होता है। कभी जो है चाह कर भी अपनी माँ, बहन और पत्नी को
वो कभी भी भुला नहीं पाता है। कभी अपनी माँ को, अपनी बहन को और अपनी पत्नी को वो कभी भी भुला नहीं पाता है। कभी को भय की स्थिति, उनसे दूरी ना की ना होकर उनके हृदय में आत्मसात होने की है, मतलब उनसे दूर होने की, दूरी का ना होकर के उनमें आत्मसात होने की भय होती है, जिसे कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। सामान्य व्यक्ति किसी भी भयभीत करने वाली स्थिति पर विजय पा लेता है। कभी चाहकर भी, कभी जो है चाहकर भी अपनी प्रेरणा से दूर नहीं हो पाता है, कभी चाहकर भी अपनी प्रेरणा से दूर नहीं हो पाता है। ठीक, अपनी प्रेरणा से दूर नहीं हो पाता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने जैसे बताए हैं आपको, ये क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको दोबारा से रिवीजन करवाया है। जैसे गर्वीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल, इनका टिप्पणियाँ लिखने के लिए आ जाती हैं कि आप इनको, आप इनका आशय स्पष्ट कीजिए कि ये इनका आशय क्या है, मतलब इनका कहने का उद्देश्य क्या है। ठीक है ना। और जैसे लिखा है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू में, उसी में नहा लूँ मैं, इसलिए कि तुमसे ही मैं परिवेष्टित आच्छादित रहने का आरम्भ किए मुझे लाभ सहा नहीं जाता है। तो ये हो गया। और इधर देखिए, ये जो लिखा हुआ है कि मतलब इसमें अंतर विरोध है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, और उधर क्या लिखा है, सहर्ष स्वीकारा है, दोनों में अंतर विरोध हो गया, दोनों में विरोध है, विरोधा है, विरोधाभास है दोनों, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है तो उधर सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि वो पैताली अंधेरे की गुफाओं में खो जाना चाहता है, आए और अंधेरे की गुफाओं में जा करके भी वह क्या करता है, कहता है विस्मृति हो जाए, वो सभी को अपने इष्ट देव को भूल जाना चाहता है, लेकिन वो वहाँ पर जा करके कहता है कि तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सब कुछ सहारा है और किसी का कोई सहारा नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध, आप इनका लिखेंगे जीवन बचे। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, और उसके बाद में ये हो गया, और इसके बाद में देखिए पहला वाला लिखा हुआ है, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है सहज स्वीकार है, पहला वाला पैराग्राफ, पहला वाला जो लिखा है उसको आपको नोट करना है। और उसके बाद में लिखा है, देखिए सेकंड में लिखा है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, इसको आप लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद में लास्ट वाला लिखेंगे, सचमुच मुझे दंड दो की हो जाऊँ, पहला वाला फर्स्ट, दूसरा सेकेंड, और तीसरा फोर्थ नंबर, ये आप तीन हो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, 1, 2 and 4। एक मिनट के लिए देखिए, नंबर आ गया 1 और एक आ गया 2 और नंबर आ गया 3। ठीक है, इसके अलावा गर्वीली गरीबी, बहलाती सहलाती ममता के बादल, और एक दक्षिणी तुम्हें भूल जाने की। ठीक है, और इधर आ जाता है कविता के शीर्षक, और इसमें आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं। तो और आता है भय, भय शब्द का व्यक्ति पर, भय शब्द का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, देखिए आपका जो लेसन है, एक आ गया है आत्म परिचय, दूसरा है आलोक धनवा, और रघुवीर सहाय कमरित कैमरे में बंद अपाही, गजानन माधव मुक्ति वो सहज स्वीकारा है। तो 1, 2, 3 and 4 चार आपके लेसन हो चुके हैं, इसमें चार लेसन हो गए हैं। और गद्यखंड में देखिएगा, भक्तिन बाजार दर्शन, और आ गया काली मेघा पानी दी, पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक। ठीक, पहलवान की ढोलक। तो ये सब लेसन जो भी हम बता रहे हैं आपको, आप इनको अपनी कॉपी में बेटा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके बाय बेटा, थैंक यू।